हलका समराला दियां टुटियां सड़कां तो इलाके दे लोक बेहद परेशान ने, जिन्हां वल्लों सड़कां दी मुरम्मत करवाउण लई सड़क सुधार कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी मैंबरां ने इलाके दे लोकां नूं नाल लैके सरकार खिलाफ रोस मुजाहरा कीता। इस दौरान लोकां ने सरकार खिलाफ तिखी नारेबाजी करदिआं मंग कीती कि उन्हां दे इलाके दीआं सड़कां दी छेती ही मुरम्मत करवाई जाए तां जो नित वापरदे सड़की हादसिआं नूं रोकिआ जाए अते लोकां नूं आउण जाण विच सहूलत होवे। लोगों ने चेतावनी दी है कि जो छेती उन्हां दी मंग ना मनी गई तो अपना संघर्ष होर तिखा करनगे। जी सड़कां बनाउण दे वास्ते नीयत साफ दा होना बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा, पर सानू सब तो ज़्यादा जिहड़ी दुख दी गल इह है कि यह दसम पातशाह जी की चरण छोह प्राप्त धरती है, गुरु नगरी है, इतिहासक नगरी है। इस इतिहासक नगरी नूं कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार दे टाइम भी डक्का नहीं टुटिया, हुण आम आदमी पार्टी दी सरकार दे टाइम ते भी 8 महीनियां तों इस सड़क दे बारे कोई भी सार नहीं लई गई। दुख दी गल इह आ कि जिहड़ियां माछीवाड़े दे आले दुआले दीआं सारीआं सड़कां ने सारीआं दा ही बेहद माड़ा हाल आ। इसे करके ही मजबूर हो के जिहड़े साडे शहर दे साडे इलाके दे सुचेत लोक ने अज उह इकट्ठे हो के बाकी होर लोगों नूं लामबंद करन लई अज इह जिहड़ा रोस मार्च कढ रहे ने, इह जदोजहद नूं होर जोर कीता जोर शोर नाल जारी रख्या जाऊगा उदों तक जदों तक जिहड़ी सड़कां दी सुविधा हैगी आ इह पूरी ठीक नहीं हो जांदी। फरीदकोट की बलवीर बस्ती ते बाबा जीवन सिंह जी नगर वासी इलाके दीआं टुटियां गलियां नालियां दी समस्या तो बेहद परेशान ने, जिन्हां रोस वजों सर्कुलर रोड ते धरना लगा के अपने रोस दा प्रगटावा कीता। इस मौके लोकां ने सरकार ते प्रशासन खिलाफ नारेबाजी भी कीती। इलाका वासी दा इल्जाम है कि उन्हां दी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, जिस करके उह धरना लगाउण नूं मजबूर होए ने। लोगों का कहना है कि करीब 4 महीने पहला उन्होंने हलका विधायक नाल भी अपनी परेशानी नूं लैके मीटिंग कीती सी, पर अज तक उन्होंने सुनवाई नहीं हुई। इलाके दे मंदड़े हाल नूं लैके लोगों ने चेतावनी दी है कि हुण वो अपना धरना उदों ही चुकणगे जदों उन्हों की परेशानी भी दूर होएगी ते पक्का भरोसा मिलेगा। डेढ़ साल तो इसे तरह बने आ जीवन ओनू बनाउण वास्ते असीं सारिया ने इत्थे धरना लाया, वार वार कहण दे बावजूद भी इह सड़क बन नहीं रही, इस करके असीं इत्थे धरना लाया। अज तों 4 महीने हो गए जदों बाबा फरीद दा मेला सी उदों इत्थे धरना लाया सी, उदों MLA साहब आए सी साडे नाल गल्लां होईआं, साडे नाल वादे कीते आ, पर जो उहनां नाल ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਹੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मलोट हलके दे पिंड अबुल खुराना वासियां वालों कौमी शाहराह ते लांगा देण दी मंग नूं लैके संघर्ष शुरू करन दा ऐलान कीता गया। दरअसल मंडी डबवाली तों मलोट तक कौमी शाहराह ते चौमार्गी सड़क दी उसारी चुकी है, जिस नूं लैके लोकां नूं इतराज़ है कि सड़क बनन दे नाल उहनां दा पिंड दो हिस्सिआं विच वंडिया जाएगा अते उहनां नूं इक दूजे पासे जाण लई कई किलोमीटर दा पेंडा तय करना पवेगा। लोकां दी मंग है कि उहनां दी परेशानी नूं ध्यान च रखदिआं होइआं लांगा दित्ता जावे। पिंड वासियों ने चेतावनी दी है कि जे उन्हां दी मंग ना मनी गई तो वह चक्का जाम करन लई मजबूर होणगे, जिसकी जिम्मेवार सरकार अते प्रशासन होगी। 300 बच्चा स्कूलों दोहां दिनां जांदा है ते निक्के बच्चे प्राइमरी तो लग के मिडल तक हाई तक जांदे है, जे इन्हां नूं पासे दी जाणा पऊगा 2-3 किलोमीटर का वाल पै जांदा है ते ट्रैफिक का भी ज़्यादा झवेला रहिंदा, ज़्यादा चलता है, ते जे इह घर वाले बच्चों के मापे बच्चों नूं छड्डण जाणगे तो काम कदों करनगे, दिहाड़ी कदों करनगे, इन्हां दा रुजगार खुसदा है। असीं ये मंग करते हैं कि सानू रास्ता दिता जाए, जे इन्हां ने रास्ता ना दिता तो असीं इत्थे धरना प्रदर्शन भी करांगे, सारा कुछ ट्रैफिक जाम भी करांगे, जिहदी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। असीं वार वार आखण दे बावजूद भी इन्हां ने साडा कोई मसला हल नहीं किया। बठिंडा शहर नूं किसे समय पछड़े